जहीन साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन। आइए आज उनसे जानते हैं दिल्ली सरकार ने जो 8 रुपये की राशि का जो अमाउंट कम किया है, पेट्रोल की कीमतों में आज गिरावट आई है, उस पर उनके वक्तव्य क्या हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। दिल्ली सरकार ने आज एक 8 रुपये का जो अमाउंट है पेट्रोल में कम किया है और काफ़ी उत्साह मनाया जा रहा है, लोग इसको उत्साह के रूप में देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात उनको बड़ी देर में समझ में आई है। जब केंद्र सरकार की ओर से ये घोषणा कर दी गई थी कि करीब 10 रुपये पेट्रोल पे और 8 रुपये डीजल पे उन्होंने कम किए थे और करीब 25 राज्यों ने तुरंत जो है ना विद इन ए वीक ये सबने पेट्रोल पे भी डीजल पे भी कम कर दिए, चारों तरफ से प्रेशर आया, सबने कहा कि दिल्ली सरकार को भी ये कम करना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और उसको लोग देखते हैं, समझते हैं, उसका असर तुरंत पड़ता है। वैसे तो इतने दिल्ली के रहने वालों के बारे में न जाने क्या क्या बात करते हैं केजरीवाल जी, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई कि भाई इसके पैसे भी कम करने चाहिए। उसके बाद एक और बड़ी बात उन्होंने करी कि केवल पेट्रोल पे पैसे कम करे, ना कि डीजल पे करे। केंद्र सरकार ने दोनों पे करे, दूसरे जो और स्टेट हैं उन्होंने सब ने दोनों पे कम करे हैं, लेकिन इन्होंने केवल पेट्रोल पे करे। अब महंगाई जानबूझ के ज़्यादा रहे, महंगाई बढ़ती रहे, लोगों का फ़ायदा ना हो, उस उद्देश्य से इन्होंने डीजल पे पैसे कम नहीं करे। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि महंगाई जो असली मुद्दा जो है ना, पूरी सभी चीज़ों में जो रेट बढ़ते हैं वो उसका मुख्य कारण सप्लाई का होता है और ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रक गाड़ियां सब जो है ना डीजल से या सीएनजी से चलते हैं, तो उन्होंने इसलिए जानबूझ कर इसके डीजल के पैसे कम नहीं किए, केवल पेट्रोल के पैसे कम करे। इसके साथ साथ एक असली मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा राजस्थान पंजाब जो और स्टेट जो लगती हैं उनमें क्योंकि पैसे कम हो गए थे, इसी वजह से लोगों ने दिल्ली से बाहर जाके पेट्रोल और डीजल डलवाना शुरू कर दिया और यहाँ के जो पेट्रोल पंप हैं उनमें करीब करीब आधी सेल शुरू हो गई। उन लोगों का भी प्रेशर था, जनता का भी प्रेशर था, तो और चारों तरफ इसकी चीज़ की बदनामी हो रही थी कि केजरीवाल की जी की सरकार यहाँ पर पेट्रोल के डीजल के पैसे कम नहीं कर रहे थे, तो इसके डरते हुए, इस बात को देखते हुए, और आगे आने वाले निगम के चुनाव भी है और जगह भी चुनाव है, तो मैसेज तो चारों तरफ जाएगा ना। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव भी बहुत नज़दीक है आप कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसी कारण इस तरह का जो है फैसला लिया गया है? हाँ, ये भी एक कारण है, ये भी दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, ये भी एक कारण है, लेकिन जो मैंने और जो दो कारण आपको बताए हैं वो भी मुख्य रूप से कारण है जिसके दबाव में उन्होंने ये पैसे कम किए, लेकिन ये गलत उन्होंने किया है। उनको इसके साथ साथ डीजल के पैसे भी कम करने चाहिए थे और जनता इसका जवाब देगी कि भाई बताएगी कि खाली पेट्रोल के कम करने से, ये तो पेट्रोल में तो बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, आम जनता को, गरीब लोगों को उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए उनको चाहिए कि डीजल के पैसे भी कम करें और बाकी दूसरी सरकारों के साथ भी मिल के जो है ना उनको चलना चाहिए। परेशानी तो सभी को थी, खाली इन्हीं को नहीं थी, यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली के साथ साथ दिल्ली भी जो है ना देश की राजधानी है, मैसेज उनको अगर भेजना था तो दोनों के पैसे कम करने चाहिए थे। सर, अगर बात करें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तो तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो उस पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? हमने भी अपने सभी हॉस्पिटल्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप जैसे कोविड के समय हमने तैयारी की थी, आप वो पूरी तैयारी करके रखें, क्योंकि डेंगू के समय भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना काम किया हमारे हॉस्पिटल्स ने, और उसमें बेड की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ों के लिए, तो वो बिल्कुल तत्पर हैं, तैयारी पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। हम भी जल्दी जो है ना एक दो दिन में हम भी सभी हॉस्पिटलों का एक राउंड लगाएंगे, जो कि पहले जो इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसका निरीक्षण भी करेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि एक हमारे इंदूराव हॉस्पिटल में RT-PCR का भी एक लैब है हमारे, और वो भी वर्किंग ऑर्डर में है, वो भी काम कर रही है, वो फ्री में हम लोगों का RT-PCR कराते हैं, वो भी हम चेक करेंगे और काम वहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है।